नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर 24 न्यूज़। मैं हूं विमल। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। कोरोना की 2 साल की बंदिशों के बाद मना रहे दशहरा में बारिश ने खलल डाल दिया, पर ये लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। दोपहर 1:30 बजे से बारिश शुरू हुई तो आयोजन समितियों ने आनन फानन में रावण के पुतलों को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया। कुछ ने शेड में पुतलों को रखा तो कई जगह पुतले भीग गए। इनमें भरे पटाखे और आतिशबाजी के भीग जाने पर समिति ने दोबारा इनमें पटाखे भरे। इसी तरह से करीब 10,000 के पटाखे भरने के बाद रावण दहन कार्यक्रम शुरू हो सका। शहर में आयोजित 4 प्रमुख आयोजनों में से छावनी के राम बारात को सबसे अधिक 2.25 घंटे आयोजन स्थल तक पहुंचने में लगे, क्योंकि इनका रूट सबसे लंबा था। यहां की समिति ने इस बार आयोजन को खास बनाने के लिए भजनों की प्रस्तुति का कार्यक्रम भी रखा था। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बनाया था, लेकिन दोपहर के समय बारिश शुरू हुई तो इन्हें जल्दी से यहाँ बने शेड में रखा। इस बार यहाँ पर 2 बातें खास रही। पहली यह है कि राम बारात नमक चौराह स्थित हनुमान मंदिर से जब शुरू हुई तो बाजार के रास्तों से होती हुई आयोजन स्थल पर 2 घंटे में पहुंची। बारात ने सबसे अधिक लंबा समय तय किया। दूसरा, आयोजन स्थल पर रविंद्र सरी ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित प्रदीप मिश्रा, दशहरा उत्सव समिति के मुख्य संरक्षक एवं जिला पंचायत सदस्य जसपाल सिंह अरोरा आदि थे। रात्रि 10 बजे पुतले का 71 फुट के पुतले का दहन किया गया। मंच पर जितने भी अतिथिगण बैठे हैं, शायद सीहोर नगर से जितने भी रावण जल रहे हैं, रावण दहन जितने भी मंचों के माध्यम से हो रहा है, पर छावनी के मंच जैसा मंच नहीं मिल सकता, जहां पर कोई पार्टी नजर नहीं आती, केवल सनातन ही नजर आती है। यहां कोई दूसरा दिखता ही नहीं है सनातनों के सिवाय। जितने भी मंच पर विराजमान अतिथिगण हैं, बच्चे हैं, जो भी विराजमान हैं, सब सनातनी के भाव से यहाँ सेवा करते रहे हैं। 30 वर्षों से आदरणीय जसपाल भैया इस कार्यक्रम को निर्धारित रूप से चलाते रहे हैं, कराते रहे हैं। बीच में जसपाल भैया के ही कदम से कदम मिलाकर साथ में आदरणीय अखिलेश भैया का साथ हमारे सीहोर नगर को और छावनी को हमेशा मिलता रहा है। और इस तरह का जो आयोजन है विजयदशमी का, केवल ज्ञानी होकर भी अज्ञानी था रावण। इतना विद्वान था, सारे वेद पुराण उसको याद थे, सब कुछ याद था, पर मूल वो ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी रह गया, क्योंकि उसका अभिमान उसके सामने अड़ा हुआ। अगर केवल एक अभिमान उसके सम्मुख में अड़ा हुआ था, इसलिए वो झुकने पर तैयार नहीं था। कथा के माध्यम से आपको पहले भी कहा, रावण से ज्यादा गलती कौरव ने करी थी। रावण तो केवल सीता जी को हरकर अशोक वाटिका में लाकर रख दिया था, पर कौरव ने जो गलती करी थी वो द्रौपदी के चीर को खींच दिया था और भरी सभा में नग्न किया गया था। आज रावण की जगह पुतला कौरवों का होना था, दुर्योधन का होना था, पर कौरवों का पुतला इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कौरवों के बाकी के भाई भगवान कृष्ण के चरणों में थे और सभी ने एक ही बात कही थी कि हमने जिद को त्याग दिया है। बस रावण एक ऐसा था जिसने अभिमान के कारण अपनी जिद नहीं त्याग दी थी। भगवान विद्वत्ता देता है, विद्वान बनाता है, ज्ञान देता है, वेद पुराण पढ़ने की बुद्धि प्रदान करता है, पर मूल है आपका अभिमान, आपका अहंकार। यदि उस अभिमान से, उस अहंकार से आप बच गए तो ये निश्चित है कि आप और अहंकार के तीर पर नहीं चढ़ सकते और निश्चित है फिर राम प्राप्त होंगे ही, मेरे राम के दर्शन होंगे ही। ऐसा शुभ आयोजन छावनी दशहरा उत्सव समिति में प्रति वर्ष होता रहा है और इस वर्ष भी हमारे इस आयोजन में अतिथिगण जो पधारे हैं, आशीष गहलोत ने बहुत मेहनत करी अपने पूरी टीम के साथ में। मैं आशीष गहलोत को धन्यवाद दूंगा कि इस छावनी पर कभी भी राजनीति हावी नहीं हो पाई। इस छावनी पर हमेशा प्रेम हावी होता है, जैसे राम जी का प्रेम था। और इस मंच पर देखने को मिला कि यहाँ राजनीति का कोई क्रम नहीं, यहाँ केवल प्रेम का क्रम है और संपूर्ण सनातनी इस मंच पर विराजमान है। बाकी के जहाँ रावण दर्शन हो रहे होंगे वहाँ आप देखेंगे बहुत कुछ नजर आएगा, पर छावनी का इस दशहरा उत्सव में कुछ नजर नहीं आता। मैं साथ Oh,
देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।